समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव चिकित्सा प्रकोष्ठ के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें जिला महासचिव चिकित्सा प्रकोष्ठ डॉक्टर अजय पाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि जनपद सीतापुर के 19 लोगों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों तथा जिले के झोला छाप डॉक्टरों, पत्रकारों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने का कार्य किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव चिकित्सा प्रकोष्ठ डॉक्टर अजय पाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पत्रकारों को बताया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एवं जिला अध्यक्ष सीतापुर छत्रपाल यादव के निर्देशन में जरीगवा कार्यालय पर बताया गया कि कोरोना योद्धा सम्मान एवं साइकिल रैली जनपद सीतापुर के 19 ब्लॉकों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों तथा जिले के झोलाछाप डॉक्टरों, पत्रकारों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने का कार्य किया जाएगा। सर, ये कोरोना योद्धा सम्मान और साइकिल यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सर्वप्रथम समस्त पत्रकार बंधुओं का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। माननीय अखिलेश यादव के निर्देश पर माननीय छत्रपाल यादव जिला अध्यक्ष सीतापुर की अनुमति से जरीगवां कार्यालय से कोरोना प्रोटोकॉल की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए जिले के समस्त 19 ब्लॉकों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ ग्रामीण इलाके के झोला छाप डॉक्टर्स और पत्रकार बंधु तथा अन्य संगठनों के सामाजिक कार्यकर्ता, उनको इस साइकिल यात्रा के माध्यम से सम्मानित करने का प्रयास किया जाएगा, जिन्होंने कोरोना जैसी महामारी में लोगों की हर संभव मदद की है। सर, झोला छाप डॉक्टरों का आप सम्मान क्यों करेंगे, जबकि सरकार तो इनके विरुद्ध कार्रवाई करती है? देखिए, मैं भी इनके खिलाफ होता, झोला छाप जितने भी डॉक्टर हैं मैं उनके खिलाफ रहता, अगर सरकार ये चिकित्सा व्यवस्था को सही ढंग से सुदृढ़ किया होता। आपने देखा कि कहीं पर डॉक्टरों की कमी, कहीं दवाओं की शॉर्टेज और ऑक्सीजन की कमी। सबसे बड़ी समस्या तो ये रही कि बिना जांच के कोई भी डॉक्टर मरीज़ को देखने के लिए तैयार नहीं था, और उस स्थिति में 4500-5000 की जांच हर मरीज़ के बस की नहीं थी। शुरुआती दौर में 5000-4000 की जांचें हो रही थी। उस कंडीशन में हमारे झोला छाप डॉक्टर ने अथक प्रयास, बहुत ही मेहनत की। कोरोना काल में चिकित्सकों ने अपनी जान जोखिम में डाल करके लोगों का इलाज किया। अगर ये झोला छाप चिकित्सक ना होते तो देश में मौतों का ग्राफ बहुत अधिक होता, आज मौत दर बहुत ज़्यादा होती। इसलिए मैं इन समस्त झोला छाप डॉक्टरों का सम्मान करता हूँ और इनके लिए हर संभव प्रयास करूँगा इन्हें मजबूती प्रदान करवाने के लिए। ये साइकिल यात्रा का शुभारम्भ कब से और कब तक होगा, चलता रहेगा? इन समस्त चिकित्सकों के सम्मान के लिए जिला सीतापुर में 2 अगस्त से अनिश्चितकालीन कोरोना योद्धा सम्मान साइकिल यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसमें जिले के समस्त चिकित्सकों को सम्मानित कर माननीय अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के लखनऊ कार्यालय पर भेंट कर और इन समस्त चिकित्सकों को मजबूती प्रदान करने का अथक प्रयास करूँगा। आपका नाम और पद क्या है पार्टी में? मैं डॉक्टर अजय पाल, जिला महासचिव चिकित्सा प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी सीतापुर। और मैं एक संदेश देना चाहता हूँ लास्ट में, इन कोरोना योद्धाओं के सम्मान में समाजवादी पार्टी मैदान में। इस मौके पर मोहम्मद मेराज खान, जिला उपाध्यक्ष चिकित्सा प्रकोष्ठ रोहित राजवंशी, कपिल पाल, सुरेंद्र कुमार, लवकुश राजवंशी, अमन मिश्रा, सरस्वती सिंह, महेंद्र, अनूप राजवंशी, जितेंद्र कुमार, रवि सहित तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए जिला संवाददाता सीतापुर से कुलदीप राठौर की रिपोर्ट।